गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग इसके लिए लगातार लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दे रहा है। सोमवार को देश के 17 स्थानों पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के भी पार रहा। इससे पहले रविवार को देश के 37 शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। राजस्थान का फलौदी 39.4 डिग्री सेल्सियस के साथ पूरे देश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजस्थान में कम से कम 8 और स्थानों पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के सिरसा में पारा 48.4 डिग्री, दिल्ली के मुंगेशपुर में 48.8 डिग्री, पंजाब के भटिंडा में 48.4 डिग्री, उत्तर प्रदेश के झांसी में 48.1 डिग्री और मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 48.7 डिग्री तक पहुंच गया। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मंडी में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को पूर्वानुमान लगाते हुए बताया कि जून में देश के अधिकांश राज्यों में लू चलेगी। IMD ने कहा, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों को छोड़कर जून में देश के अधिकांश हिस्सों में मासिक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है। IMD के पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले महीने के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों और मध्य भारत के आसपास के इलाकों में सामान्य से ऊपर गर्मी रहने की उम्मीद है। बीकानेर में रेलवे क्रॉसिंग के पास प्रशासन ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए टेंट लगवा दिया है। इसी तरह लखनऊ में एक चौराहे पर रेड लाइट के पास टेंट लगाया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से नमी आने की वजह से 3 दिनों के बाद चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। उन्होंने आगे बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से नमी आने की वजह से देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में गरज के साथ वर्षा होने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भारत में 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का भंडारण पिछले सप्ताह उनके कुल भंडारण का केवल 24% रह गया, जिससे कई राज्यों में पानी की कमी बढ़ गई है और जल विद्युत उत्पादन पर काफी असर पड़ा है। भीषण गर्मी ने पहले ही भारत की बिजली की मांग को 239.96 गीगावाट तक पहुँचा दिया है, जो इस सीजन में अब तक की सबसे अधिक है। घरों और दफ्तरों में एयर कंडीशनर और कूलर पूरी क्षमता से चल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कोई राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है और बिजली की मांग और भी बढ़ सकती है।